अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम इस चैप्टर नंबर न्यू डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीसी सर्किट्स, यानी जितने भी डीसी सर्किट्स है उसकी एप्लीकेशंस, उसमें क्या क्या आता है, ट्यूटोरियल देखेंगे, कॉम्पोजिशन देखेंगे, सर्किट्स देखेंगे डीसी सर्किट्स के, डीसी करंट्स के, डीसी सर्किट्स जो भी हैं देखेंगे, और उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या हम पढ़ेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आज हम इन यानी डीसी सर्किट्स का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, तो मेरे वीडियो में ये बने रहिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला है इसका कॉन्टेंट्स, क्या है कॉन्टेंट्स इसके। तो नंबर 1 है डायरेक्ट करंट, पहला टॉपिक डीसी सर्किट है, रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, टू रेजिस्टर इन पैरेलल, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, बैटरी एंड इट्स नीड, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी मिक्सिंग ग्रुप एंड मिक्स्ड ग्रुप, यानी 14th टोटल टॉपिक है इस चैप्टर में। यानी हमारे लेक्चर्स बनेंगे अराउंड 10-12 अराउंड इतने बनेंगे, क्योंकि जो छोटा टॉपिक है उसके साथ में दूसरा भी टॉपिक जोड़ दूंगा। तो आज का लेक्चर 1 है। तो अब आज हम दो डिस्कस करेंगे, एक तो है डायरेक्ट करंट और दूसरा है डीसी सर्किट्स। यानी आज दो हम टॉपिक क्लियर करेंगे, ये छोटे टॉपिक है, और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज 4, तो वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। यानी प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं। तो आप शुरू करते हैं। नंबर 1 टॉपिक है डायरेक्ट करंट। अब जो करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, यानी जो स्ट्रेट लाइन जैसा करंट फ्लो हो तो उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। यानी वेव्स, जैसे वेव्स बनती है, 9th यानी 10th क्लास में आप पढ़कर आए होगे कि जो आपका यानी 9th यानी चैप्टर मुझे नहीं पता 9th 10 का, उसमें आपने देखा होगा कि वेव्स की शक्ल आपने तो देखी होगी। अब वेव्स की शक्ल में जो करंट होता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन में यानी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं, यानी डायरेक्ट करंट। अब द करंट सप्लाइड जो होता है बाय अ सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर इज डायरेक्ट करंट। यानी करंट जो सप्लाई हो रहा हो सेल से, बैटरी से, यानी डीसी जनरेटर से, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। अब इन फिगर जब बैटरी सप्लाईज डायरेक्ट करंट टू द बल्ब। अब इन इस फिगर में हमने बैटरी लगा रखी है कि वो जो है वो डायरेक्ट जा रही है बल्ब के साथ, कनेक्ट हो रही है, डायरेक्ट कनेक्टेड है बल्ब के साथ। अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग ए बी सी डी ए, यानी यहाँ से करंट जा रहा है, फिर ऐसे ए पर आया, फिर ऐसे बी, फिर बी से बल्ब पर गया, वरी फिर बल्ब से सी पर, वरी डी पर, वरी इस बैटरी में, फिर ये कंटिन्यूसली ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये नोटिस करने वाली बात है कि जो डायरेक्ट करंट है उसकी जो माना है वो स्टडी करंट है। अब स्टडी करंट क्या है, माना के जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, क्या मैग्नीट्यूड जिसका कांस्टेंट हो। डायरेक्ट करंट मींस स्टडी डायरेक्ट करंट। अब स्टडी डायरेक्ट करंट मींस वन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। सॉरी आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, ये लाइट आ रही है जा रही है, इसका कुछ इशू है तो इसलिए आपको ये डिस्टर्बेंस हो रही है। सेकंड टॉपिक है हमारा डीसी सर्किट्स पर। अब जो क्लोज पाथ फॉलोड बाय डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड डीसी सर्किट, यानी एक क्लोज्ड पाथ है उसमें डायरेक्ट यानी डीसी करंट चल रहा है तो उसको हम डीसी करंट बोलेंगे। जैसे ये एक क्लोज्ड पाथ है, अब इसमें जो करंट चलेगा वो हमें डीसी करंट चलेगा तो वो उसको हम डीसी करंट मानेंगे। यानी एसी करंट चलेगा इसमें क्लोज्ड पाथ में तो हम एसी सर्किट्स बोलेंगे। अब डीसी करंट है चूंकि बैटरी से आ रहा है, बैटरी से या सेल से आ रहा है तो वो डायरेक्ट करंट होगा, यानी डीसी करंट। जो डीसी करंट फ्लो हो रहा है इन क्लोज्ड पाथ उसको हम क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट बोलेंगे।
अब डीसी सर्किट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज, यानी जो डीसी सर्किट है वो कंसिस्ट होता है, जो जो कि सोर्स जो का उसका कंसिस्ट होता है वो डायरेक्ट वोल्टेज पर होता है। यानी किस सोर्स पर कंसिस्ट होता है? डायरेक्ट वोल्टेज पर, यानी बैटरी पर। द कंडक्टर यूज टू कैरी करंट एंड लोड इन अ फिगर शोज अ टॉर्च बल्ब आई लोड कनेक्टेड थ्रू टू अ बैटरी थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स। यानी इसमें कंडक्टर्स के लगे हुए हैं, किसके लिए? क्योंकि करंट को कैरी करने के लिए। एंड आपने देखा है पहले फिगर में, ये जो मैं पिछली डायरेक्ट करंट में फिगर दिखाकर आया हूँ, कि उसमें जो है टॉर्च बल्ब है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसमें? बैटरी में, थ्रू किसके? कंडक्टिंग वायर्स के तौर पर। अब जो डायरेक्ट करंट है वो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट वियर द लोड। यानी जो डायरेक्ट, ये पॉइंट कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट करंट स्टार्ट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से स्टार्ट होता है, और जो कम बैक आता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वियर लोड पर। द डायरेक्ट करंट फ्लोज द क्लोज पाथ ए बी सी डी ए एंड हेंस ए बी सी डी ए इज अ डी सी सर्किट। अब जो डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है क्लोज पाथ में वो है ए बी सी डी ए में, और ए बी सी डी ए को हम क्या बोलेंगे? डी सी सर्किट बोलेंगे। इन फिगर आपने देखा होगा पिछली जो मेरी फिगर देने में फर्स्ट टॉपिक में डायरेक्ट करंट में मैं दिखाकर आया हूँ। अब द लोड फॉर डीसी सर्किट इज यूजुअली अ रेजिस्टेंस। अब जो लोड है डीसी सर्किट का वो हमें हमेशा यूजुअली क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्या? रेजिस्टेंस। यानी इन डीसी सर्किट लोड्स आई रेजिस्टेंस में बी कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल आर सीरीज आर पैरेलल सॉरी ये पैरेलल होगा। यानी डीसी सर्किट्स में जो लोड होता है रेजिस्टेंस वो कनेक्टेड होता है सीरीज में या पैरेलल में, या दोनों का कनेक्शन होता है सीरीज और विथ पैरेलल, तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। यानी तीन तरीकों से आप कह सकते हैं, एक तो सीरीज हो गई, एक पैरेलल, और तीसरा सीरीज पैरेलल। यानी यूजुअली लोड क्या होता है डीसी सर्किट का? रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब डीसी सर्किट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सिस्टम। यानी डीसी सर्किट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एंड उसके सिस्टम के, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दे आर कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट सच एज रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप बाय कंडक्टिंग वायर्स। यानी ये कंसिस्ट होते हैं रेजिस्टर पर, यूजुअली तो रेजिस्टर था, अब और भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, रेजिस्टर्स भी, कैपेसिटर भी, इंडक्टर्स भी, वो कनेक्टेड होते किस में होते हैं? क्लोज्ड लूप बाय कंडक्टिंग वायर के साथ। अब अनलाइक एसी सर्किट व्हिच अल्टरनेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। यानी एसी सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो अल्टरनेटिव होता है, यानी वेव्स के वेव्स आपने पढ़ी होगी उसकी तरह डायरेक्शन होती है अल्टरनेटिंग करंट की। अब डीसी सर्किट मेंटेन्स अ कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। यानी डीसी सर्किट में क्या होता है कि जो डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी उसका कांस्टेंट होता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ तो पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी उसका जो ग्राफ बन रहा था वो स्ट्रेट लाइन था, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता था तो टेम्परेचर भी बढ़ता था, कम होता था वॉल्यूम तो टेम्परेचर भी कम हो रहा था। इसीलिए ये भी इसका जो डीसी सर्किट का जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होता है इन स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। तो आज के दोनों ही हमारे जो टॉपिक्स थे वो इतने ही थे, और आओ तो हम जो चार मैंने आपको एमसीक्यूज बताए थे तो उस पर हम चलते हैं। तो पहला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अ डीसी सर्किट। जैसे आपने 9th और 10th की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, कौन सा भी सर्किट हो, एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो। ठीक हो गया।
यानी बी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. यानी ओम्स लॉ के यहाँ के करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा डबल होगा. वोल्टेज आप जो बढ़ रहे हैं तो करंट भी जाहिर बात है बढ़ेगा. ठीक हो गया, यानी इट्स डबल. अब तीसरा है इन अ सीरीज डीसी सर्किट इफ वन कंपोनेंट्स ब्रेक्स और इज कनेक्ट डिसकनेक्टेड व्हाट हैपेंस टू द करंट फ्लो इन द रेस्ट ऑफ सर्किट. यानी जब सीरीज डीसी सर्किट हो के एक कंपोनेंट वहां पर कोई ब्रेक आ जाती है यानी टूट जाता है या उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि करंट फ्लो होगा इन रेस्ट ऑफ सर्किट या हाँ या नो. तो इसमें आंसर है ए, इट स्टॉप फ्लोइंग कंप्लीटली. क्यों होगा मैं ये अगले लेक्चर्स में आपको यानी बताऊंगा एक्सप्लेनेशन जो डिटेल विद एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड आपको बताऊंगा क्यों जब हम डीसी सर्किट में हम किसी भी कंपोनेंट को एक कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्यों सारे बाकी जो सर्किट बचता है उसमें करंट नहीं फ्लो होगा वो मैं आपको बताऊंगा. अब व्हिच ऑफ दीज मटेरियल्स हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस. तो ए है कॉपर एल्यूमिनियम प्लेटिनियम कार्बन. तो इसका राइट आंसर है कार्बन. क्यों, क्योंकि जो हाई रेजिस्टेंस कार्बन की हाई होती है एंड वो कॉमनली क्या होते हैं मेजरिंग फॉर रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड तौर पर. तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. क्यों, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपका कुछ भी नहीं जाता कि अगर आपने शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो भी यहाँ पर गेन कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं, गेटिंग नॉलेज फ्रॉम दिस चैनल एंड प्रिपरेशन फॉर एंट्री टेस्ट फॉर एनी यूनिवर्सिटी. कोई सी भी यूनिवर्सिटी में आपने एंट्री टेस्ट देनी है तो इंशाल्लाह इस चैनल से आप जो मालूमात मैं दूंगा वो हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी मार्क्स लेंगे इन एनी यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी हो. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच गाइज़.